محمد هو نصلي على رسول الكريم أما بعد. हिंदुस्तान के एक साहब ने पूछा है कि ईद उल फित्र का चांद कब होगा, ये मुझे फल के एतबार से बताएं। जवाब यह है कि 12 मई बरोजे बुध को कराची में चांद की ऊंचाई है 7 डिग्री, पेशावर में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री, इंडिया में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री, चांद 10 डिग्री में नजर आता है, 9 डिग्री में बड़ी मुश्किल से नजर आता है, यहाँ 6 डिग्री और 7 डिग्री है, इसलिए 12 मई बरोजे बुध को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में चांद नजर नहीं आएगा। 13 मई बरोजे जुमेरात को कराची में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री, पेशावर में चांद की ऊंचाई है 16 डिग्री, इंडिया में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री, इसलिए 13 मई बरोजे जुमेरात को चांद नजर आएगा और वाजा नजर आएगा और 14 मई बरोजे जुमा को ईद उल फित्र होगी, ये तय है। कोई आदमी अगर 12 मई बरोजे बुध को चांद की गवाही लेता है, गवाही झूठी है, इसलिए कि चांद आसमान पर नहीं है। ऐसा न करें क्योंकि इससे फिर सोशल मीडिया में बहुत देर तक लोग शोर मचाते हैं और उलमा को बुरा भला कहते हैं और दो ईदें हो जाती है, तो चूंकि ईद दो हो जाती है क्योंकि रुयत अम्मा नहीं हुई तो ईद दो हो जाएगी और सोशल मीडिया पर बहुत ही बुरा भला कहते हैं, इसलिए 12 मई बरोजे बुध को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में कोई गवाही दे तो मेरी गुजारिश है कि आप गवाही न लें और 13 मई बरोजे जुमेरात को रुयत अम्मा करें और 14 मई बरोजे जुमा को ईद करें सभी, और यही असर है। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।